कोई छोटे छोटे ग्रुपां सारे मिलते क्योंकि सिद्धू कोई संत महात्मा नहीं सी वीरों, वो एक आम मध्य वर्गीय परिवार से पैदा होया बच्चा, पर उन्हें अपनी दृढ़ता के नाल जो जगह बनाई संसार भर में वो तो अपने सामने है। उन्हें अपने आप को मापे ना तो यूके का भी शोक किया रही है, बावजूद भी उन्होंने अपने आप को ना उसने दिखाया अपने लोगों को सारे ना बेहतर समझा, क्योंकि वो भी फिक्र तो नहीं सी भी जे चार पैसे आ गए। मैं भी बथेरा कहा भी अब तू इतों हाँ चंडीगढ़ जाए कितने बड़े शहर शिफ्ट हो जा, क्योंकि तेरा कारोबार ऐसा है। वो मैं कहता शहर ही मूसा बसा दूंगा, तुम चार साल का समा दो मैं उ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उ कार विहार थोड़ू इतने नज़र आऊगा करने वाला चाहिए। वो कहता जिधर गया बाणिया उधर गया बाजार, जिते आप बह गए पापा वेले उठी लग जाने, हौसला रखो थोड़ा बहुत बड़िया सोचा रखने वाला बच्चा सी, पर पता नहीं दरिंद्रिया कि गलती चुभ गई, कद उसने कद धी भैन के खिलाफ ना मूँह फोटिया, उन्हें तो कद इनकम इंटरव्यू दी कदे पैरों तो अलावा उपर निगाह नहीं की सी, कदे भी बच्ची ना कद उन्हें अख मिला के गल नहीं की थोड़े सामने नीचे कमेंट भी इस तरह के लोग करते भाई उपर तो देखता, पर यह सुभाष ये उदू परिवार को मिले संस्कार से जो सानू साढ़े मापिया दिते असी अगे ट्रांसफर किए, वो बदौलत दुनिया भर का चहेता बनया। सादगी वीरों करोड़ों रुपए कमाने वाला बंदा आओ पई है चप्पल जाके देखो 100 रुपए की चप्पलों भी घसी हुई है जिदे उत्ते खून दिया तारा, ये गल दरिंदगी दर्शाउंदियां ने। सॉरी मैं जो गल करता मेरा गल भर जाता है, ये गड्डी कल लेके आया बथेरे मैं पत्रकार भरावान ने फोन किए भीर, क्योंकि उन्हें यादा ने जड़िया उन्होंने सीने ला के रखना अपना जिंदगी का मकसद है, और उन्हें चाहन वाले इस चीज़ को वेख सकन, ये जब तक वो कोई यादगार नहीं बनती तद तक ये घर के दरवाजे थोड़े लिए हमेशा खुले रहे। सिद्धू के ट्रैक्टर शौक बखूबी इतने वेख सकते हो। मैं फिर कहना वो संत महात्मा नहीं सी, वो एक आम मुंडा सी, मेहनती नौजवान सी, एनर्जी ने भरया हुआ नौजवान सी, वो जिस काम को भी हाथ पाँगा कदे ढिला नहीं हाथ पाँगा सी, ये आप सी। वो जिस खेत्र के भी गया उन्हें अपनी मेहनत का लोहा बनवाया, बेशक तो उन्होंने पेशे वजो इंजीनियर बनाया, क्योंकि मैं सोचता सी मेरा मुंडा SBO लग जूगा कदे अफसर बन जूगा, परंतु वो उस तो भी अगे सोच रहा है, और उन्हें बखूबी इस फील्ड चो नामना भी कमाया पैसा भी कमाया शोहरत ने नाल इज्जत भी कमाई, और इस गल का रूप है तुहाडे सामने। तुहाडी आमद 7 महीने होने चले 29 तरीक नूं, पर अज तक थोड़े मनां दे विचों उहदी इज्जत घटी नहीं है, सगों उहदे जाण तो बाद वधी है। उन्हें हर एक चीज़ को ठुमना दिता, जब कोई गरीब कलाकार आया तो उन्होंने घट तो घट पैसों के पिछले गाने रिकॉर्ड करवाए, फिर उन्हें एक 9 गैलरी का चैनल एक वक्रा खोलिया, उन्हें न्यू टैलेंट को प्रमोट करने वास्ते खोलिया, वो चाहता सी जिहड़ा मेरा पुराना घर है भी पापा इन बेचना नहीं, आपा मैं न्यूज का एक खेत पूरा अड्डा बना देना, इतने नवे मुंडे आया करे रिहा कर, और मैं उन्होंने रिकॉर्ड करा कि दुनिया के रूप रूप करा करूँगा, पर यह उदिया सोचा सी जो खाक के बीच मिल चुकी ने, पर अपने को जो कुछ भी बचे थोड़े तो ना वादा है तुम आते जाते रहे हो, आप हमेशा जो कुछ बचे ना लेके रही जिंदगी जो अकाल पुरख ने दी है थोड़ी है बाली है वाहू जानता है रल मिल के आप अपना समय कटांगे, जेडे अधूरे कार्ज है कोशिश करांगे उन्होंने अगे दी अगे आप बधाईए। तो मैं खुशी इस गल की है बच्चे का जीवन बेशक छोटा सी पर वो जान लग्या इज्जत लेके गया, सानू इज्जत ना सिर चक के जाने की हिम्मत दे के गया, बेशक
आप कुछ गलत तो अधूरा चला गया, पर उन्हें समाज लिए अपने साथी कलाकार कदे भी कोई हेरा फेरी वाली गल पैसे पिछले गल यकीन करो चार पांच मुंडे उन्हें सेम से एक दो ने पुठे सीधे तरीके बनाए बिगड़े ने फोन करवाए पर सिद्धू कहता यार जे तू अपने खंभा उड़ सकता वैसे उड़ जा बे आप फोन की लड़ पी है तो वह बकर सुभा का बंदा सी कहना मेरे को अपना काम ही नहीं होता मैं थोड़ा साइन करके की लेना तुम अपना काम कर सको तो करो कहीं नहीं लोग जिते एक बार साइन करवा लो कंपनी वाले खून भी लेंगे कलाकार का भी इन्ने साल वास्ते बहुना साढ़े को पर यह बकर बंदा सी बही खातों के उत्ते साइन नहीं करवा अपनी सादी जिंदगी जो सादे ढंग न आखिरी साह तक रहा थोड़े सामने जो गया उदो भी सिंपल लोहा टी शर्ट के कदे ब्रांडेड बूटों को कदे ब्रांडेड कपड़ों को वह कहता कि जो मैं पाऊंगा वह ब्रांड बन जाए और बने भी तुम देखते हो गए ब्रेक ने टी शर्ट लॉन्च किए सिद्धू मूसे वाला ब्रांड बने वो कहता जरूरी नहीं है कोई दो ढाई सी वाली पेंट पाई है नहीं ब्रांड बन जूगी थोड़े तो हिम्मत होनी चाहिए है बस ऐसे करके सिद्धू जाने जाते उन्हें अपने आप को कदम कमजोर या माड़ा या सस्ता नहीं देखा वो कहना थोड़े मन में शांति मिलनी चाहिए है तुम जो पाया कि ब्रांड का ये चीज़ा मैटर नहीं करती है तो जरा रहन का लाइफ स्टाइल है वो समा पत्रा चाहिए और थोड़े हिम्मत चाहिए है तो परमात्मा थोड़ा साथ हर हाल के दिता है थोड़ा बहुत देर मुश्किल हो सकती है पर यह नहीं है भी तुम्हें कभी कामयाब इलेक्शन के लिए उन्हें क्लीयर कट गल कि तुम नौकरियां मांगते हो नौकरियां बनना सोचा सोचा जो भी नौकरियां देवे असी कामयाब हो गए अपना निकी चाट वाला साढ़े मानसा का सेठ है वो उदाहरण दिता रहा इलेक्शन लखा रुपए का कारोबार है जो शाम तक करता है तो मैं भी कहता 50 परिवारों को रोटी दे रहा तो मर के भी तो थोड़े सामने बाजार लगे पाया जाने तो बाद भी दे रहे ये थोड़ी सोच पर निर्भर करता है भी तुम अपनी जिंदगी को किमें लेने हो जिंदगी बड़ी छोटी है भी जो कुछ कर लेंगे वो ही भला बाकी सारा जो जस्टिस का काम है वो सही दिशा जा रही है गल हूँ तो परमात्मा करो आप महीने वीरन के कोई ना कोई अपने रिजल्ट देखने को मिलेगा तो सारे परमात्मा के अरदास करो मिल जाता ठीक है नहीं फिर थोड़िया जीडिया करोड़ दुआवान ने वो अजाई नहीं जानगियां सारे वाहगुरु के अरदास करो आप गलत काम किया नहीं और जेने सा की है परमात्मा तेरे दर पर बख्शे न जान उन्होंने सारे सजाव मिल गई और जी सब तो वही अदालत है उपर परमात्मा की वाहगुरु अकाल पुरख की तो लाज भी उन्होंने उतो सज़ा मिलेगी क्योंकि भोग तो लैके अज तक जे करोड़ों लोग इतने पहुंचे हो आखिर भी रोज रिश्तेदारी भी आप तो पहुंचा जाता कुछ ना कुछ तो तुम इतने लेके आने कुछ ना कुछ तो मन के सोच होंगी है नहीं आप कि अपने को समा हों कमींदारी कट के जाके आता और मैं थोड़ा अचीर के फिर सारे का कदम कदम परमात्मा देखे लगे थोड़ा सब का धन्यवाद करता कोई शब्द भावुक होया मन कई बार कह जाता है कोई गल बुरी लगी हो किसी भीर को गुस्सा ना करो दस को माफ करने की कोशिश करो वाहू जी का खालसा वाहू जी आप अपने पहुंचा जी सबाह जी है उन्होंने आवेंगे तो बहर जाने की कृपालता करो सारे।